नमस्कार। आज हमारे साथ में है विश्वनाथ जी, विश्वनाथ सिंह चौधरी जी, झारखंड से। और ये झारखंड से बोकारो झारखंड से, और ऑपरेशन के एक साल बाद में हमारे पास पहुँचे हैं अपने मित्र के ऑपरेशन के लिए। तो अभी रिसेंटली आपका जो है SSCGD का मेडिकल क्लियर हो गया है, फिजिकल क्लियर हो गया है, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे व्यक्तिगत अनुभव। विश्वनाथ जी, लास्ट ईयर जून में आपका ऑपरेशन हुआ था? यस सर। ठीक है, अपने गांव और जिले के बारे में बताइए। मेरा गांव है टुपरा, POPLUS पेस पिंडरा, बोकारो झारखंड जी, वहीं से मैं आया हूँ। साल भर पहले आपका दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन हुआ? यस सर। ऑपरेशन के बाद का ये समय कैसा रहा? ऑपरेशन के बाद जब यहाँ से गया था तो थोड़ा वो दिक्कत था, जैसे लग रहा डर लग रहा था, डर रहे थे आप। उसके बाद फिर से मैंने एक महीना बाद सफाई करवा लिया था मेडिकल के लिए। हाँ, हाँ। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इस कान में भी ऑपरेशन करवाया था, उससे मुझे लाख गुना अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये दूसरे कान का ऑपरेशन कहाँ हुआ था? वही धनबाद में करवाया था, फाड़ा चीरा वाला। चीरे वाला, अभी उसमें मेरा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, उसमें दिक्कत है। ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जब शादी पार्टी में जाते हैं DJ बजता है तो झरझराहट की आवाज आती है। अच्छा, मुझे लगता है पर्दा कमजोर है जी। और यहाँ जो ऑपरेशन हुआ था वो पर्दा और वो कान कैसा है? वो सर बिल्कुल बहुत अच्छा है, ठीक सुनाई देता है उसमें। ये जो मिथुन शर्मा, ये अलग अलग जगह दौड़ रख मुझे बताया एक दिन की तुम्हारा कहाँ ऑपरेशन, वो बोल रहा है यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, हम सबसे अच्छा होगा चलो बता देते हैं, तुम हम नहीं जाएंगे तुम चल जाओ, तो बोल रहा था कि चलो तुम चल साथ चलो। चलिए, अब हम आपके कान को देखना चाहेंगे। ये आपका जो है पूर्व में धनबाद में ऑपरेट हुआ था, कन्वेंशनल मेथड से हुआ था, तो वी कैन सी स्कार मार्क ओवर हियर, ठीक है, पर फिर भी अच्छा है, नॉट बैड, ठीक है। और इधर दिखाइए, लेफ्ट ईयर ऑपरेटेड लास्ट ईयर एट अशोक बेस्ट हेल्थ केयर, ठीक है। हम देखते हैं किसी प्रकार का कोई चीरा कट्टा का निशान नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसकेनल मेथड से हुआ था। ट्रांसकेनल में दूरबीन कान के इस रास्ते से प्राकृतिक छिद्र से एंटर करती है। और अब हम पर्दे की स्थिति को देखना चाहेंगे। कान के ऑपरेशन के एक साल बाद में डरो नहीं, आराम से रिलैक्स, ठीक है। चलो, देखते हैं TM इंटैक्ट फर्स्ट क्लास, ठीक है, माइल्ड ओटाइटिस एक्सटर्नल, ठीक है। तो आप देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं उनको ये मैसेज, अगर उनको ये दिक्कत है पर्दे में छेद और कान से संबंधित, कान से संबंधित, तो उनको यहाँ से वेस्ट और कहीं हो ही नहीं सकता है, मैं उनको चैलेंज कर सकता हूँ। और मैंने हमारे झारखंड के कम से कम 100 से अधिक बच्चों को बताया है जी। आपने टीम अशोक बेस्ट में विश्वास रखा और लगातार आपसे प्रेरित होकर बच्चे यहाँ पहुँचते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ से, आसपास के और बिहार के क्षेत्रों से, और लगातार हमारी टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है, आपके कान के बिंदुओं का निवारण किया जा रहा है। थैंक यू, जय हिंद।